बातें फिर कश्मीर न्यूज ब्यूरो, मैं हूँ आपके साथ अर्पिता। लगातार हमने सुबह से आपको विजुअल्स दिखाए थर्ड और लास्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस की पोलिंग के हवाले से। अब वोटर टर्नआउट की बारी है, तो टोटल वोटर टर्नआउट जो जम्मू कश्मीर में निकल के सामने आया है वो है 65.48। टोटल टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें से सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट की परसेंटेज जो है उधमपुर में रिकॉर्ड की गई है, जहां पर 72.91% ऑफ वोटिंग हुई है। और अगर हम लोवेस्ट वोटर टर्नआउट की बात करें तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वोटिंग हुई है, 55.73% वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। मजीद क्या डिस्ट्रिक्ट में, जैसे करना में 66.3% है, त्रेगाम में 62.27% है, कुपवारा में 59.68% है, लोलाब में 61.22% है, हंदवाड़ा में 69.06% है, लंगेट में 59.81% है, सोपोर में 41.44% है, रफियाबाद में 58.39% है, उरी में 64.81% है, बारामूला में 47.95% है, गुलमर्ग में 64.19% है, बगूरा कोली में 56.43% है, पटन में 60.87% है, सोनावारी में 65.56% है, ऐसे ही बांडीपोरा में 58.6% है, गुरेज में 75.89% है, उधमपुर वेस्ट में 73.2% है, उधमपुर ईस्ट में 74.07% है, चेनानी में 73.79% है, और रामनगर में 70.38% है, बानी में 71.24% है, बिलावर में 69.64% है, बसोली में 71.79% है। ऐसे ही मजीद डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कुछ वोटिंग है आपको इस वक्त के हवाले से दिखा रहे हैं हम। तो जो आज थर्ड फेज था वो कंपैरेटिवली टू दो फेजेस में उसमें सबसे ज्यादा सीट्स थी, 40 सीट्स में मुकाबला था, जिसमें 24 उसमें जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही थी और 16 जो है वो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही थी। अब जो रिजल्ट है वो 8 अक्टूबर को अनाउंस होगा।